नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण में अध्याय 16 हमारे गौरव के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने वैज्ञानिकों के नाम, खिलाड़ियों के नाम, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, हमारे गौरव वो होते हैं जो देश के लिए कुछ ना कुछ कुछ किसी भी क्षेत्र में अपने देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं और अपने देश के लिए किसी प्रकार के वैज्ञानिक क्षेत्र में कुछ खोज करते हैं, देश के लिए कुछ निर्माण करते हैं, उनका नाम सुनहरे अक्षरों में या पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनका नाम याद रखते हैं और वो हमारे देश के लिए गौरव की बात होती है। इसलिए आज इस पाठ में हम दो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। पहले वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। आपने नाम सुना होगा पिछली कक्षाओं में, तृतीया में, चतुर्थी में भी हमारे गौरव नाम का पाठ था, उसमें भी हमने वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा था। तो विक्रम साराभाई लगन और समर्पण के प्रतीक थे। उनकी बचपन से ही गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। उन्होंने ब्रह्मांड और सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल किया था, प्रैक्टिकल रूप से हल किया था। हमारा ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा है, इसमें सौरमंडल, पृथ्वी, जिसके अंदर हमारी पूरी पृथ्वी आती है, इसके अंदर कितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों का हल डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा कई प्रकार की होती है बच्चों, परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इस क्षेत्र में इनके बारे में विस्तार से आपको अगली कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा। तो ऊर्जा के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने हमारे देश को एक नई दिशा दी। इसे कह सकते हैं कि हमारे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत आगे तक इन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने पहुंचाया। सौर ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, इसके बारे में हमें कई प्रकार की जानकारियां डॉक्टर विक्रम साराभाई ने दी। उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में देश को नई दिशा दी। इसके शांतिपूर्ण उपयोग में परमाणु ऊर्जा होती है, तो कई देश, किसी देश के विवाद हो जाता तो उसमें हमला भी कर देते, तो उन्होंने कहा शांति के पर, शांति के रूप में शांतिपूर्ण प्रयोग हो, बिल्कुल ही कोई किसी देश को कोई देश हानि ना पहुंचाए, शांतिपूर्ण तरीके से इसका उपयोग हो, इसके लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किए। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। अनुसंधान केंद्र वो होते हैं बच्चों अंतरिक्ष, जहां पर किसी भी चीज या किसी की खोज हो, पृथ्वी, आकाश, तारे, सूर्य, इनकी सब चीजों के बारे में जहां पर खोज होती है, नए नए निर्माण होते हैं, नई नई चीजों की खोज होती है, उसके लिए उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष भेद छोड़े जाते हैं अपने ऊपर, तो उनके अनुसंधान केंद्र का एक गठन किया था। उनके प्रयासों से आज भारत में देश में बनाए गए उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है भारत। अब अपने जैसे टीवी चलती है, मोबाइल चलता है, फोन चलते हैं, और भी संचार के कई साधन हैं जो बिना वायरलेस, और भी हमें कई भी पूरे ब्रह्मांड की, विश्व की कई प्रकार की सूचनाएं मिलती है, वो हमें अंतरिक्ष द्वारा इनके अंदर जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उनके ये कार्य, अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने का कार्य डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया। वह न केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे बल्कि उनकी रुचि कला में थी, शिक्षा में थी और समाज में भी थी। उन्होंने साम्राज्य को जागृत करने के लिए भी कार्य किया था और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। डॉक्टर विक्रम साराभाई से आगे हम बात दूसरे वैज्ञानिक के बारे में हम पढ़ेंगे, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ये वैज्ञानिक अपने बालकाल, मतलब आपकी उम्र के छह बच्चों, उस समय से ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा वैज्ञानिक थे। होमी को नींद बिल्कुल कम आती थी उनकी, जब आपकी उम्र के थे तो वो बिल्कुल सोते ही नहीं थे, 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। तो उनके माता पिता ने उनको डॉक्टरों को बताया, डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आई, फिर डॉक्टरों के पता चला कि चिकित्सकों को भी इसका कारण मालूम नहीं, उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है, दरअसल ये बालक इतना तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण यानी तेज बुद्धि के थे डॉक्टरों में, कि उनके दिमाग में 24 घंटे विचारों का प्रवाह चलता रहता था, विचार यानी
विचार आते रहते थे दिमाग के अंदर, कुछ ना कुछ कुछ भी चीज उनको सामने दिखाई देती, तो पेड़ पौधे धरती आकाश सूर्य जो भी दिखाई देता उनके बारे में वो एकदम सोचने लगते थे, उनके दिमाग में विचार आने लगते थे। 24 घंटे उनके दिमाग में विचारों की प्रवाह चलते, यानी तेज धाराएं चलती थी। इसके बाद माता पिता ने उनको ध्यान विज्ञान इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, तो उनके माता पिता ने उसको बालक को कहा कि भाई इसका ध्यान कोई दूसरी चीज में ऐसे लगा दे तो कुछ ना कुछ फायदा भी होगा, बालक आगे भी बढ़ेगा और देश के लिए भी कुछ करेगा। तो उन्होंने विज्ञान की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया। उनकी रुचि, खुद की रुचि डॉक्टर साहब की तो बाबा साहब की भौतिक शास्त्र में थी, किंतु पिता चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियर बने, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए, बाद में पहले जो यूनिवर्सिटियां वगैरह थी नहीं, देश आजाद होने से पहले 10th तक या 10वीं तक कहीं स्कूलें थी, तो उससे आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने डॉक्टर माता पिता ने डॉक्टर हमीद जाकिर बाबा को इंग्लैंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए भेज दिया। वहां पर उन्होंने बाद में कॉस्मिक किरणें होती है, बारीक इलेक्ट्रॉनिक कण होते हैं, उसके अंदर एक मेसोन नाम के कण की खोज की थी। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको बड़ी क्लासों में 9th 10th में जब आप 11th 12th में सब्जेक्ट लेंगे साइंस, उसके बारे में बताएंगे। कॉस्मिक किरणों के भारी इलेक्ट्रोकण की मेसोन की खोज डॉक्टर हमीद जाकिर बाबा ने की थी। वे टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा का नाम तो आपने सुना होगा, सुई से लगाकर एरोप्लेन तक टाटा बनाती है, तो टाटा इंस्टीट्यूट यानी संस्था और फंडामेंटल रिसर्च सेंटर के निर्देशक रहे। उसके अंदर खोज टाटा का एक ये ऑफिस संस्था थी, उसके अंदर खोज करने कुछ न कुछ नई तकनीकों का, नई चीजों के बारे में खोज करने, उसके ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं डॉक्टर हमीद जाकिर, पहले प्रथम निर्देशक। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में स्वदेशी साधनों को, हमें भी स्वदेशी का उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर हमीद जाकिर बाबा चाहते थे कि भारत का पैसा भारत में रहे, भारत एकदम पूरा आत्म